नमस्कार दोस्तों, रोशनी इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है। देखिए दोस्तों, मेरे पास वैगनार का स्टीरियो आया है। ठीक है, इसमें जो है कस्टमर ने बोला इसके प्रॉब्लम क्या है, ये जो स्टीरियो है ये गाड़ी के साथ ही पानी में डूब गया था। ठीक है, इसका जो साथ में जो गाड़ी है ये गाड़ी में डूब गया था, तो अभी जो है रिपेयर करने के लिए आया है। मतलब इसको खोल करके जो गैरेज का जो मैकेनिक्स है उन्होंने इसको साफ़ किया है, ठीक है, लेकिन ये ऑन नहीं हो रहा। ठीक है, तो मेरे पास आया है, बोला जे मैंने इसको खोल करके रिपेयर करने की कोशिश की है लेकिन ये रिपेयर नहीं हो रहा, आप थोड़ा इसको देखिए। तो हम बोला ठीक है, लेके आओ। रख के गया है, तो इसका मॉडल नंबर देखिए, ये इसका मॉडल नंबर है। ठीक है, तो ये वेगनर वेगनर में लग के आता है, कंपनी का स्टीरियो है। इसका कंपनी देखिए, ये निपोन कंपनी का है। ठीक है, तो इसको हम पहले जो है खोल के देख लेते हैं इसमें क्या कैसा कंडीशन में आया है। तो देखते रहिए दोस्तों, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इस तरह का कंटेंट हमारे चैनल में आपको हमेशा मिलते रहेंगे। तो हम पहले इसको जो है खोल लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं इसमें क्या क्या प्रॉब्लम है और इसको कैसे रिपेयर किया जा सकता है। ठीक है, तो मैंने इसको रिपेयर कैसे करना है आपको दिखाते हैं। ठीक है, तो कैमरे को भी सेट कर लेते हैं। तो दोस्तों, हमने तो कैमरा को सेट कर लिया, तो इस पैनल को पहले हम खोलेंगे, उसके बाद हम आपको दिखाते हैं। इस पैनल को पहले खोल लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने इसका जो पैनल है इसको अलग कर लिया है। ठीक है, इसको सेट कर देते हैं। तो इसका जो पीछे का ढक्कन है इसको भी हमने खोल लिया, तो इसका जो बोर्ड है इसको पहले निकाल लेते हैं। ठीक है, इसमें देखिए यहाँ पे सोल्डिंग किया रहता है, तो यहाँ पे सोल्डिंग जो है हमको खोलना होगा। उसके बाद इस बोर्ड को निकालेंगे, ये जो सीडी का केबल है इसको हटा लेते हैं। ये देखिए इस तरह से यहाँ पे कार्बन हो रखा है पानी की वजह से। ठीक है, तो इसको खोल लेते हैं। ये हमारा हीट सिंक भी खोल गया है। देखिए यहाँ पे पानी जाने से इस तरह का यहाँ पे स्पॉट आ गया है। इधर देखिए थोड़ा सा पानी जैसा कुछ है इधर यहाँ पे। तो कोई बात नहीं, तो इस बोर्ड को हम खोल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे सोल्डरिंग किया हुआ रहता है, तो हमने सोल्डरिंग इसका खोल लिया हूँ। इसको निकाल लेते हैं। किस तरह का बोर्ड रहता है, क्या क्या रहता है आपको दिखाते हैं। यहाँ पे सीडी का एक बेल्ट लगा हुआ है, इसको भी निकालना पड़ेगा। देखिए यह इस बेल्ट में भी कार्बन जैसा है, देखिए काला काला हो गया है। तो ये सीडी तो हमारा कोई काम का नहीं है, ये देखिए पूरी तरह से जंग लग गया है। तो ये सीडी हम बाद में देखेंगे, इसको हटा देते हैं। इसका बोर्ड देखिए, जो कार का मैकेनिक्स है उन्होंने इसको पेट्रोल से इसको साफ़ किया है, बोला है हमको। साफ़ करने से पहले ऐसा था, साफ़ करने के बाद तो हम इसको देखेंगे ये रिपेयर होता है या नहीं। ठीक है, यहाँ पे दो आईसी रहता है, ये वाला आईसी है रेगुलेटर का और ये वाला आईसी है ऑडियो का। ठीक है, ये अगर आईसी ख़राब है तो हमारा टेप ऑन नहीं होगा। और यहाँ पे देखिए आयरन लगा करके यहाँ पे कुछ किया हुआ है, देखिए और यहाँ भी कुछ किया हुआ है। मतलब यहाँ से जो लाइन वगैरह जल गया होगा तो उन्होंने बनाने की कोशिश की है। देखिए ये लाइन बना दिया, यहाँ पे भी एक आईसी का पॉइंट जो है टूटा हुआ है, वो भी बना के रखते हैं। तो मेरे को वो बोला है, हमने कुछ कुछ इसमें किया हुआ है लेकिन ये रिपेयर नहीं हो रहा, ऑन नहीं हो रहा। तो हम देखते हैं इसमें
ऑन क्यों नहीं हो रहा। तो पहले इसको जो है हम सप्लाई कनेक्शन देंगे, और सप्लाई कैसे देना इधर लिखा हुआ रहता है, ठीक है। तो आपको हम दिखाते हैं, देखिए दोस्तों ये वाला है 12 वोल्ट स्विचिंग का, ठीक है, और ये वाला है ग्राउंड, ग्राउंड आप कहीं भी दे सकते हो, और ये वाला है डायरेक्ट बैटरी कनेक्शन, ठीक है। ये 1, 2, ये 3, ये हमारा तीनों कनेक्शन है। तो यहाँ पे हम सोल्डरिंग करके, क्योंकि ये जो कपलर है, कपलर हमको नहीं दिया है, तो सोल्डरिंग करके हम कनेक्शन कर लेते हैं। उसके बाद आपको दिखाएंगे, देखते रहिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों, हम इसको कैसे रिपेयर करते हैं अब देखते रहिए। तो दोस्तों हम यहाँ से ये जो कनेक्शन है यहाँ पे एक सोल्डरिंग कर दिए हैं। ये जो बैटरी 12 वोल्ट बैटरी कनेक्शन है, ये स्विचिंग वाला कनेक्शन है, यहाँ पे हमने एक कनेक्शन कर दिया है, और यहाँ पे हमने कनेक्शन कर दिया। ये जो पॉजिटिव कनेक्शन है, इस पॉजिटिव को साथ में दे करके तो यहाँ पे हम सोल्डरिंग कर देते हैं। ये देखिए ये पॉजिटिव कनेक्शन हमारा हो गया, और नेगेटिव जो है कहीं भी लगा देने से भी हो जाएगा, तो हम यहाँ पे देने से भी हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव होता है, यहाँ पे हम नेगेटिव कनेक्शन कर दिए हूँ, ठीक है। तो हम देखते हैं कहीं पे शॉर्ट है क्या, 12 वोल्ट हमारा सही से इसमें आ रहा है या नहीं, तो कहीं पे शॉर्ट भी हो सकता है, क्योंकि इसमें पानी चला गया था, ठीक है। ये हमने नेगेटिव पकड़ लिया, और पॉजिटिव देखते हैं, देखिए 12 वोल्ट यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे भी 12 वोल्ट है, ठीक है, यहाँ पे 11 वोल्ट है। तो ये जो रेगुलेटर आईसी है इसमें वोल्टेज आ रहा है या नहीं, 1.6 वोल्ट यहाँ पे नहीं आ रहा, 2.9 वोल्ट, 3.2 वोल्ट, 3.2 वोल्ट, यहाँ पे इनपुट आ रहा है नहीं, ये वाला इनपुट पॉइंट है, इसमें 3.2 वोल्ट ही आ रहा है सब में। देखते हैं इनपुट पॉइंट कौन सा है, ये वाला इनपुट पॉइंट है जो थोड़ा सा इधर जल चुका है, लेकिन इसमें वोल्टेज है ज़रूर, देखिए ये वोल्टेज यहाँ पे है, देखिए ये जो पॉइंट है ये थोड़ा जला सा है, हम इसको जूम कर देंगे, ठीक है। तो इस आईसी पे वोल्टेज हमारा आ रहा है, ये हमारा रेगुलेटर आईसी है, और यहाँ पे देखते हैं ये वाला इनपुट पॉइंट है, ये 12 वोल्ट इसमें आ रहा है, तो ये जो आईसी है इसमें 12 वोल्ट आ रहा है, ठीक है। ये आईसी हमारा इसमें 12 वोल्ट आ रहा है, इसमें भी 12 वोल्ट आ रहा है, मतलब ये भी इनपुट, इसमें भी इनपुट है, इसमें भी इनपुट है। तो हम इसको पलट लेते हैं, और इस तरफ का ग्राउंड पॉइंट कौन सा है दोस्तों, हम आपको दिखाते हैं। ये वाला ग्राउंड पॉइंट है, ये जो डायोड लगा हुआ है, ठीक है। तो हम देखेंगे यहाँ पे 12 वोल्ट होना चाहिए, ये वाला नेगेटिव पॉइंट है, यहाँ पे 8 वोल्ट है, ठीक है। यहाँ से हमारा वोल्टेज इस कैपेसिटर में आ रहा है 8 वोल्ट सप्लाई, ठीक है। और अभी देखते हैं यहाँ पे बीसी 1 वोल्ट, और यहाँ पे देखते हैं 8 वोल्ट, 0 वोल्ट, 8 वोल्ट, ठीक है। ये दोनों में हमारा सप्लाई बन रहा है, ये रेगुलेटर आईसी जो है काम कर रहा है थोड़ा बहुत, लेकिन जो है ये ऑन क्यों नहीं हो रहा। तो इसका जो पैनल है इसमें लगा के देखते हैं,
हमने इसे ही जस्ट इसमें टच किएंगे, ये ऑन नहीं हो रहा। देखिए सारा वोल्टेज बन रहा है लेकिन ये ऑन नहीं हो रहा। तो हम इसमें देखते हैं एक काम करके, यहाँ पे हम थोड़ा सा इसमें एक मॉडिफाई वाला एक काम करेंगे। यहाँ पे जो है ये जो यहाँ पे देखिए ये स्टीरियो जो है लाइन ऑन होने के बाद ये डिस्प्ले पे जो है ऑरेंज कलर का डिस्प्ले आता है, ठीक है, ऑरेंज कलर का लाइट जलता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं एट वोल्ट, यहाँ पे भी 8 वोल्ट, बीच वाला पॉइंट पे हमारा वोल्टेज नहीं है। इस पॉइंट पे ये जो पॉइंट है दोस्तों, ये वाला पॉइंट में हमारा वोल्टेज है नहीं, और ये वाला पॉइंट कहाँ गया, इस कैपेसिटर में आया और कैपेसिटर आकर के इस पे आया, ठीक है, और यहाँ से जा करके कहाँ आया हम देखना पड़ेगा, यहाँ से जा करके इसमें आया और यहाँ से जा करके देखिए यहाँ तक आ गया, ठीक है। ये पैनल का जो लाइटिंग का जो यहाँ पे डिस्प्ले में जो लाइटिंग होता है उसमें वोल्टेज आना चाहिए, जब पावर स्विच ऑन करेंगे तभी तो इसमें वोल्टेज आना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों ये जो पावर स्विच है ये काम नहीं कर रहा, क्योंकि ये पानी चला गया था, तो हम इसका जो पैनल है इसको भी खोलना पड़ेगा हमको, क्योंकि ये स्विच जो है ये भी ख़राब हो सकता है ये। लेकिन ये स्विच ख़राब होने से तो डिस्प्ले ज़रूर आना चाहिए, ठीक है, ये ऑन करने से पहले यहाँ पे ऑरेंज कलर का लाइटिंग आना चाहिए, ठीक है। इसको पहले हम बाद में खोलेंगे, तो पहले जो है हम इसमें एक मॉडिफाई कनेक्शन करते हैं। यहाँ पे गौर से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, एक मॉडिफाई का हम कनेक्शन करेंगे। यहाँ पे देखिए दोस्तों, डिस्प्ले का जो यहाँ पे वोल्टेज आना चाहिए 8 वोल्ट सप्लाई, और ये जो ट्रैक हमारा गया कहाँ, ये वाला ट्रैक यहाँ पे गया है, और ये वाला पॉइंट ये देखिए, ये ट्रैक और ये ट्रैक एक ही है। यहाँ पे लिखा हुआ है 9 वोल्ट डिस्प्ले के लिए आना चाहिए, यहाँ पर लिखा हुआ है इधर, यहाँ पे 9 वोल्ट आना चाहिए डिस्प्ले के लिए, ठीक है, और यहाँ पे आना चाहिए 5 वोल्ट यूएसबी के लिए, और ये जो यूएसबी का इधर एक जम्पर दिया गया है, यहाँ पे देखिए बहुत सारा जम्पर इसमें है नहीं, टूट गया होगा, इसको भी हम देखेंगे यहाँ पे 5 वोल्ट आ रहा है या नहीं, चेक करके देखते हैं। ये स्टीरियो जो है काम करने में मज़ा इसलिए है दोस्तों, अब ये सब कुछ लिखा हुआ रहता है, इसको चेक करके देखते हैं उसके बाद आपको बताते हैं। तो दोस्तों देखिए, हमने एक चीज़ खोज के निकाला हुआ है, ये ऑन क्यों नहीं हो रहा हम आपको दिखाते हैं। अभी ये देखिएगा, ये ऑन हो जाएगा, यहाँ पे हम शॉर्ट करते हैं तो ऑन हो जाएगा, देखिएगा ये देखिए, यहाँ पे डिस्प्ले पे जो है लाइटिंग आ रहा है, हम आपको दिखाते हैं। अभी डिस्प्ले की तरफ देखिएगा, थोड़ा सा इसमें लाइट आएगा, देखिए डिस्प्ले पे लाइट हमारा बन रहा है, ये देखिए, ठीक है, ये डिस्प्ले पे लाइट बन रहा है लेकिन ये ऑन नहीं हो रहा है, देखिए ये काम नहीं कर रहा, कभी कभी काम भी करता है, ये काम नहीं कर रहा, ये हमने छोड़ दिया, चला गया,
फिर से इसमें लगा दिया, ये देखिए ऑन हो गया। ठीक है, तो यहाँ से जो है इस आईसी से जो है स्विचिंग नहीं हो रहा, तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा जम्पर लगा देते हैं। जम्पर लगा देने के बाद हम देखेंगे ये साउंड बराबर आ रहा है या कोई प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे हम पहले जम्पर लगा के उसके बाद आपको दिखाते हैं ऑन करके। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों ये दोनों जो पॉइंट है यहाँ पे शॉर्ट करने से है ये ऑन होता है। ये डिस्प्ले में जो है लिखा हुआ कुछ आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है। हमको 3.6 वोल्ट ऑन नहीं हो रहा, यहाँ पे चिमटे से पकड़ने से ही ऑन होता है। तो यहाँ पे हम शॉर्ट कर देते हैं पहले, उसके बाद हम देखेंगे काम कर रहा है या नहीं, साउंड वगैरह आ रहा है या नहीं, यूएसबी वगैरह चल रहा है कि नहीं। तो पहले इसको शॉर्ट कर लेते हैं, पहले इसको बंद करके उसके बाद हम आपको दिखाएंगे कौन सा ट्रैक हमने शॉर्ट किया हुआ है। ठीक है, देखते रहिए, क्योंकि पानी में जाने वाला जो भी स्टीरियो होता है वो बहुत डैमेज होता है, बनने की जो संभावना होती है, रिपेयर होने की जो संभावना होती है बहुत कम होता है। कोई कोई स्टीरियो बन जाता है, कोई कोई स्टीरियो नहीं बनता है। यहाँ पे हमने सोल्डिंग किया हुआ है, अभी देखते हैं ये कौन होता है या नहीं। इसको जो है अच्छे से साफ कर लेना होगा, नहीं तो दूसरा चीज में लग करके शॉर्ट हो सकता है। ये पॉइंट हमने शॉर्ट कर दिया, अभी इसमें जो है लाइन देते हैं, तो आपको दिखाते हैं डिस्प्ले वगैरह कुछ इसमें आ रहा है या नहीं। देखिए दोस्तों, ये जो डिस्प्ले है यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे लिखा आ रहा है, लेकिन ये ऑन नहीं आ रहा। ये देखिए, ये कभी कभी ऑन भी होता है। ये देखिए मोड इसका चेंज करते हैं, काम नहीं करता, कर रहा है। देखिए कैसे आ रहा है, अपने आप हो रहा है। तो पहले इसका जो यूएसबी सेक्शन है, यूएसबी में जो सॉकेट होता है, ये वाला सॉकेट, इसमें वोल्टेज आ रहा है या नहीं हम देखते हैं। 5 वोल्ट सप्लाई इसमें आना चाहिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पे कोई वोल्टेज नहीं है, क्योंकि इसमें जो 5 वोल्ट होना चाहिए, ये 5 वोल्ट इसमें है नहीं। ये आईसी हमारा काम नहीं कर रहा, इसीलिए इसमें 5 वोल्ट नहीं आ रहा। तो यहाँ पे हम एक्स्ट्रा करके 5 वोल्ट दे करके चेक करेंगे ये यूएसबी में चलता है या नहीं। ठीक है, देखिए हमने यहाँ पे एक जम्पर लगा दिया और जो है ये डिस्प्ले ऑन हो गया। लेकिन इसमें देखिए दोस्तों, यहाँ पे डिस्प्ले में एक चीज़ आपको दिखाते हैं। देखिए ऐसा पानी के जैसा जैसे दिखे अंदर, इधर कलर सही है, इसमें कलर यहाँ पे सही नहीं है, यहाँ पे भी सही नहीं है। तो इसमें जो है पानी अंदर में डिस्प्ले में है, इसके लिए ऐसा है। तो इसको हम नहीं खोलेंगे, छोड़ देते हैं। अभी तो स्टीरियो ऑन हो चुका है, इसका मोड भी काम कर रहा है। देखिए इसमें यूएसबी अगर सही होगा तो हम देखेंगे, तो इसमें यूएसबी क्यों नहीं आ रहा, यहाँ पे इक्वलाइजर और वॉल्यूम काम नहीं कर रहा। ठीक है,
वॉल्यूम इसका काम नहीं कर रहा, ये देखिए वॉल्यूम बढ़ा रहा है, काम नहीं कर रहा। ऑन होता है, कभी ऑन होता है कभी नहीं होता है, ये पैनल में जो है कोई प्रॉब्लम हो सकता है। तो पैनल हम खोलेंगे, पैनल खोल करके इस बटन को चेक करते हैं और इसको रिपेयर करने की कोशिश करते हैं, देखते रहिए। ये देखिए वॉल्यूम काम बिल्कुल नहीं कर रहा। तो ये तो ऑन हो चुका है, लेकिन दोस्तों यूएसबी क्यों नहीं चल रहा, यूएसबी हम लगा के देखते हैं यूएसबी चलता है या नहीं। हमारे पास एक पेन ड्राइव है, इसको लगा करके देखते हैं। मोड चेंज किया, यूएसबी नहीं भी चल सकता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो है देखिए ये जो कनेक्शन है बिल्कुल जो बिल्कुल देखिए किस तरह हो गया है, इसको साफ करके भी देखेंगे। ठीक है, तो यूएसबी ऐसे ही चलना चाहिए। तो यहाँ पे 5 वोल्ट क्यों नहीं आ रहा, तो 5 वोल्ट हम यहाँ पे डाल करके देखते हैं। ठीक है, पहले हम इसमें जो है यूएसबी बाद में चलाएंगे, पहले ये जो वॉल्यूम काम नहीं कर रहा, कभी ऑन होता है कभी नहीं होता है, ये जो प्रॉब्लम है इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ये बंद हो गया, ये ऑन नहीं हो रहा, देखिए कभी ऑन होता है कभी नहीं होता है। ऑन नहीं हो रहा, इसका जो बटन है ये बटन शायद इसमें प्रॉब्लम हो सकता है, इसको खोल लेते हैं। इस पैनल को हम देखते हैं पहले खोल करके, ये जो स्क्रू है हम इसको खोल लेते हैं। सारा स्क्रू हमने इसका खोल दिया है, तो इस बटन को भी निकाल लेते हैं। बहुत अंदर में है इसलिए इसको थोड़ा खोल गया। इसको भी बाहर निकाल लेते हैं, ये देखिए यहाँ पे दोस्तों कुछ पानी जैसा है। ये हमारा यूएसबी सॉकेट है, यूएसबी सॉकेट में भी कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसको थोड़ा पहले कपड़े से इसको साफ करते हैं। ये जो बटन है देखिए दोस्तों, ये बटन में हमको थोड़ा गड़बड़ी लग रहा है, इसको अभी लगा के देखते हैं। अभी इसमें ऑन करते हैं, देखते हैं ये ऑन होने के बाद, खोलने के बाद ये ऑन होता है। ये ऑन तो हो चुका है, लेकिन अभी देखते हैं, ये देखिए ये ऑन नहीं हो रहा। तो इसका जो बटन है इसमें हम थोड़ा सा चिमटे से शॉर्ट करके देखते हैं, देखिए ये ऑन हो गया है, लेकिन इसका वॉल्यूम काम नहीं कर रहा है, कर रहा अभी। ये फिर से बंद हो गया,
ये ऑन हो गया। फिर से बंद हो गया। ये ऑन हो गया, फिर से बंद हो गया। तो इस स्विच को हम खोलेंगे, इस खोल स्विच को हम खोल के देखते हैं। यहाँ पे पानी जाने की वजह से जो है स्विच भी खराब हो सकता है। दोस्तों हमने इसका जो बटन है इसको निकाल दिया हूँ, ये वाला बटन है। देखिए यहाँ पे पानी जैसे जैसे जाने से यहाँ पे कार्बन जैसा हो चुका है। इसको बैक साइड से हम खोलने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये रिपेयर हो भी सकता है, ठीक है। इसको हम खोल के देखते हैं। देखिए इस तरह का बटन होता है, कितना बारीक बारीक इसमें पत्ती दिया गया है। यहाँ पे थोड़ा चिमटे से इसको साफ करके फिर से इसको लगा देते हैं। एक छोटा सा इसमें बटन दिया गया है, इसको इधर बिठा देते हैं। ये बटन हमने इधर लगा दिया। तो यहाँ पे देखने से पता चला इसमें तो कोई दिक्कत ऐसे कुछ दिखाई देने दे रहा, तो इसको हम बिठा लेते हैं पहले, ठीक है। पहले जैसा था वैसे हमने फिटिंग कर दिया। हमने इसको खोलने का कारण क्या है, अभी इसमें खोलने का कारण है कि दोस्तों ये पानी में चला गया था। पानी में जाने से सब कुछ में कार्बन हो जाता है। खुल गए, हमने इसको थोड़ा साफ कर दिया है। अभी देखते हैं ये काम करता है पूरी तरह। इसमें हमें थोड़ा सा थिनर से इसको साफ कर देते हैं, उसके बाद हम ट्राई करके देखेंगे ये वर्क कर रहा है या नहीं। क्योंकि ये तो आधा हमारा रिपेयर हो चुका है दोस्तों। इसको हमने ऑन कर दिया हूँ, तो अभी जो है इसमें यूज भी चेक करना है, उसके बाद वॉल्यूम वगैरह काम कर रहा है, साउंड वगैरह है कि नहीं, हम वो भी देखेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन ये बहुत इन्फॉर्मेटिव है दोस्तों, देखते रहिए। वीडियो को स्किप करेंगे तो आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा, थोड़ा लंबा हो सकता है, उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। लेकिन इस तरह का वीडियो बनाने से थोड़ा लंबा ही होता है, क्योंकि इस तरह का वीडियो YouTube पे आपको नहीं मिलेगा, A to Z रिपेयरिंग का, ठीक है। दोस्तों देखिए हमने इसको चलने के काबिल बना दिया है, तो हमने बहुत इसमें मेहनत किया है। ये कम से कम मेरे को 4 से 5 घंटा लग गया इसको रिपेयर करने में। तो ये देखिए अभी जो है हम इसमें लाइन दे करके इसमें थोड़ा सा साउंड आपको सुनाते हैं। ये हमने लाइन इसमें दे दिया, ये अभी ऑन हो जाएगा, ये ऑन हो गया है। तो इसको ऑन करते हैं, ऑन हो चुका है। इसमें जो है मोड हमको चेंज करना होगा, ठीक है। मोड इसको चेंज करके आपका साउंड सुनाते हैं, ठीक है। ये साउंड अभी काम कर रहा है,
एक पॉड के वजह से जो है साउंड इसमें क्लियर नहीं आ रहा।